Luca. हिंदुस्तान में हर घर का चूल्हा चौका जलाने और चलाने वाली खेती को अलग अलग समय पर अलग अलग महानायकों ने अपनी मेहनत से सींचा, अपनी मेहनत से बोया और उसे इस लायक बनाया कि वो खेत और खलियान जिंदगी बन गए। ये वो महानायक हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत से कि अपनी सूझबूझ और एक प्रगतिशील सोच से बेकाबू से दिखाई देने वाले भविष्य को दिशा दी। इन महानायकों की फहरिस्त लंबी है और हर दिशा और हर क्षेत्र में है। उसी फहरिस्त में एक नाम है मनमोहन अतावर का। जी हां, मनमोहन अतावर, जिन्होंने अपने उद्यम से खेती की दिशा ही बदल डाली। जैसे किसी मजबूत घर की बुनियाद उसकी गहरी और मजबूत नींव होती है, वैसे ही अच्छी और कमाऊ खेती की बुनियाद अच्छे बीज से होती है। ये बात आज हर दूसरे किसान के साथ साथ सामान्य इंसान के बड़े तबके को समझ में आती है। लेकिन जरा सोचिए, आज से 6 दशक पहले अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो उसकी सोच कितनी मौलिक थी। खेती और किसानी के लिए अपने बूते नया रास्ता बताने वाले ऐसे ही महानायकों में शुमार हैं पद्मश्री मनमोहन अतावर। 90 के दशक में कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को पारंपरिक खेती से बाहर लाने वाले जिन 2-4 नायकों को देश जानता है, उनमें मनमोहन अतावर का नाम भी शामिल है। मनमोहन अतावर ने खेती को प्रयोगशाला से ज्यादा खेत को विज्ञान से जोड़ा। सब्जियां, फल और फूल जैसी पैदावार से उन किसानों को जोड़ दिया जिनके लिए खेती का मतलब सिर्फ धान, ज्वार, बाजरा और दूसरे मोटे अनाज हुआ करते थे। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान आज इस विषय को पढ़ने, पढ़ाने और समझने वालों की भारी तादाद है। लेकिन 60 के दशक में उद्यान विज्ञान बिल्कुल नया था। घर के अहाते में, बाग बगीचे में फल और फूलों को उगाना ही हॉर्टिकल्चर की पहचान थी। लेकिन मनमोहन अतावर 60 के दशक में ही इस उद्यान विज्ञान के मैजिक को भांप गए थे। आज वही हॉर्टिकल्चर एक बड़े कृषि उद्योग की जरूरत बन चुका है। उद्यान विज्ञान की चाहत ने मनमोहन अतावर को महानायक बनाया। कहते हैं ना, किसी चीज को आप शिद्दत से स्वीकार करते हैं तो वो आपके सामने दुनिया जहान खड़ा कर देती है। ये ग्रीन हाउस में दिखाई पड़ते रंग बिरंगे फूल और पौधे उसी चाहत का नतीजा है। खेती की जुबान में किसान हॉर्टिकल्चर को एक ऐसी खेती समझ सकता है जिसमें खेती उद्यम बन जाती है। किसान सीधे विज्ञान, कला और व्यापार के साथ जुड़ जाता है।
मतलब धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और बाकी अनाजों से अलग ऐसी खेती का विज्ञान है हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल फूल सब्जियों के साथ औषधीय पौधे जड़ी बूटियां हैं, जो किसान को सीधे बड़े फायदे की तरफ ले जाती हैं। सामान्य खेती के मॉडल से जुड़ा हुआ अपनी तरह का नया मॉडल है ये। कम जमीन में ज्यादा फायदे की फसल के लिए किसान अब सामान्य खेती के साथ फल फूल और सब्जी के जरिए अपनी खेती के मॉडल की इकोनॉमिक्स को मजबूती दे रहा है। लेकिन एक सामान्य किसान के लिए ऐसे फायदेमंद मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए हाइब्रिड यानी संकर बीजों की जरूरत होती है। साधारण देसी बीज से किसान ऐसे चमत्कार की उम्मीद फिलहाल नहीं कर सकता है। भविष्य में खेती हाइब्रिड बीज के बूते बड़ी बनेगी, इसकी कल्पना 60 के दशक में मनमोहन अतावर ने की। तब मनमोहन युवा थे और उनके दिलो दिमाग में बस एक ही धुन थी कि कुछ अलग करना है, खेती को जीने की जरूरत से बहुत आगे ले जाना है। माई एम्बिशन इज टू डू समथिंग इन इंडिया फॉर दिस, सो बट इट इज नॉट फॉर। मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, ना कि मुझे पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा थी। मेरी दूरदृष्टि ये कहती थी कि संकरण की इस तकनीक से, संकर बीजों के उत्पादन से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मुझे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इनका अंत नहीं है, परंतु मेरे अंतर्मन की आत्मा किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की सोच रखती है। कर्नाटक के कारकल में जन्मे हैं मनमोहन अतावर। बचपन से ही बड़े बदलाव का सपना देखने वाले मनमोहन अतावर ने अपने ही गांव के किसानों को परंपरागत खेती के दुष्चक्र में जूझते देखा। कड़ी मेहनत के बाद किसान के हाथ जो आता वो इतना कम होता है कि पेट और परिवार को चलाना भी मुश्किल हो जाता। ये बात मनमोहन अतावर को साल दी और यहीं से शुरू हुआ मनमोहन अतावर के बदलाव का सफर। आज उन्नत बीज की ऐसी किस्में बाजार में मौजूद हैं जो पैदावार में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन तब इस हालात तक पहुंचने और पहुंचाने के लिए मनमोहन अतावर जैसे नायकों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। क्या मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान, जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र, वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 दूरदर्शन किसान पर। मनमोहन अतावर ने अपनी मास्टर डिग्री उद्यान विज्ञान में ही की है। तब के समय में समाज के बड़े वर्ग में पढ़ाई का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस बनना होता था। लेकिन ऐसे समय में अतावर ने कृषि विज्ञान को चुना। अमेरिका से लौटने के बाद अतावर ने वो कर दिखाया जिसने कर्नाटक और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में किसानों की किस्मत बदल दी। लेकिन अतावर का काम, उनका योगदान सिर्फ हॉर्टिकल्चर में नहीं, मनमोहन एक अच्छे
प्लांट ब्रीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। आफ्टर माय एमएससी इन हॉर्टिकल्चर, कृषि में एमएससी करने के बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए यूएसए जाना चाहता था। मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, सभी की इच्छा थी कि मैं यूएसए जाऊं। मुझे धारवाड के प्रोफेसर कलोलगी और डॉक्टर मेडिसन चाइव का सहयोग मिला। हमने मिलकर सारी तैयारी की और मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए यूएसए जाने के लिए तैयार था। मेरा विषय था अनुवांशिकी और प्लांट बिल्डिंग। मेरे पास इतना धन नहीं था, फिर भी मैं वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं अनुवांशिकी और प्लांट बिल्डिंग में पीएचडी करूं। हजारों भारतीय किसानों के मुरझाए चेहरे को जहन में समेटे अत्तावर पीएचडी करने अमेरिका गए। उन्होंने कारकल, जो उनका अपना इलाका था, वहां के किसानों के साथ खड़े होकर देश के दूसरे किसानों की किस्मत बदलने का फैसला किया। और ये तभी संभव था जब कम लागत में कुछ ऐसा हो जिससे खेती में उत्पादन पर बड़ा प्रभाव दिखे, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खेती के पूरे स्वरूप को बदल सके। सरकारी सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं था और ना ही ऐसी योजनाएं थी कि हर किसान के खेत को पानी मिल जाए। लिहाजा हर कुछ बड़ा हो सकता था वो उस बीज से, ऐसे बीज जो पैदावार में जबरदस्त इजाफा कर सके। अत्तावर ने किसानों की इस जरूरत को जमीन पर उतारा और बीज में बड़े बदलाव के लिए रिसर्च करने लगे। ऐसा बदलाव जिसमें बीज और पौधों को ये ताकत दें कि वो विपरीत हालत में भी अच्छी पैदावार दे सके। उस वक्त अमेरिका में कॉलबॉल नाम के कृषि वैज्ञानिक बीज को लेकर रिसर्च कर रहे थे। अत्तावर भी उनकी टीम में शामिल हो गए। डू सम वर्क विद फार्मर्स एट दैट टाइम आई गॉट ए स्मॉल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैं किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। उस समय मेरे पास एक छोटा प्रोजेक्ट बीज उत्पादन पर था। कोलबॉल और क्लाइन ने मेरी उस प्रोजेक्ट में सहायता की। आज उन्नत बीज की ऐसी किस्में बाजार में मौजूद हैं जो पैदावार में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन तब इस हालात तक पहुंचने और पहुंचाने के लिए मनमोहन अत्तावर जैसे नायकों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। मैं Finally, it was very difficult, but at the same time, I had. मेरे लिए काफी मुश्किलों का समय था। मेरे पास करीब 1.5 लाख रुपए थे जो मैंने अपने भविष्य की योजनाओं के लिए जमा किए थे, और वो काफी नहीं थे। तब कॉलबॉल ने मुझे $17,500 का लोन देकर भारत में अपना कार्य शुरू करने की शुरुआत के लिए सहायता दी। दरअसल मनमोहन अत्तावर ने हाइब्रिड सीड की ताकत को सालों पहले भांप लिया था, लेकिन बड़ा काम ये करना था जिससे किसानों की न सिर्फ पैदावार बढ़े बल्कि उन्हें एक खास किस्म की खेती के तौर पर। ये काम अमेरिका में बैठकर नहीं हो सकता था, और अत्तावर अपनी पढ़ाई के बाद अमेरिका में मिलने वाले ऑफर को छोड़कर हिंदुस्तान लौट आए। टेक एन अपॉइंटमेंट ऑन 1965। उनसे मिलने के लिए मैंने 4 नवंबर 1965 में अनुमति ली और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और मुझसे कहा कि
फिलहाल हमारे विभाग में कोई पद खाली नहीं है, मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? तब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मनमोहन अतावर के बेटे जो उन्हीं की कंपनी को संभालते हैं, वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में खेती को बुरे सपने की जगह खुशहाल सपने में तब्दील कर दिया। सुंदर रूप रंग आकार दे स्वप्न करें साकार, स्वच्छ रख पंच तत्व को धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। बेंगलोर में उन्होंने अपने सपनों का ग्रीन हाउस बनाया, ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें ना सिर्फ उन्नत बीजों पर लंबी रिसर्च के साथ पैदावार शुरू की गई, बल्कि अलग अलग किस्म के पौधों की खोज के साथ एक अलग तरह की खेती को खेतों तक लाने की तैयारी भी शुरू हुई। एक छोटे से ग्रीन हाउस से शुरू हुई बीज क्रांति रंग लाने लगी। देखते देखते टमाटर, कैप्सिकम, बंद गोभी के अलावा कई अनाजों के भी उन्नत हाइब्रिड बीज तैयार होने लगे और इसे कर्नाटक के बड़े हिस्से में ट्रायल के लिए किसानों के पास पहुंचाया जाने लगा। नतीजा चौंकाने वाला था। देखते देखते धान बाजरा उगाने वाले किसानों ने अपने खेतों पर टमाटर की पैदावार शुरू कर दी। किसानों के खेत लहलहाने लगे। घाटे की खेती फायदे के सौदे में बदल गई। वर्किंग विद द इंडो अमेरिकन अलॉन्ग विद अदर पीपल, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर एनके बट, अपने इंडो अमेरिकन दोस्तों के साथ भागीदारी में हमने अपना बिजनेस शुरू किया और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शुरुआत हमने फूल और सब्जियों के संकर बीजों से की। हमने भारत में प्रथम संकरित टमाटर और शिमला मिर्च के इन बीज किसानों को दिए। इसकी पुष्टि लालबाग में एक कार्यक्रम में की गई। बेंगलोर के अलावा दक्षिणी कर्नाटक के बड़े हिस्से में देखा देखी किसानों ने टमाटर उगाना शुरू किया, जिससे उन्हें कैश की वो ताकत मिली जिसका लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू हेल्प द फार्मिंग कम्युनिटी हाउ टू गेट मोर इनकम आउट ऑफ द टोमेटो प्रोडक्शन वॉज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल थिंग वॉट वी हैव डन फॉर द फार्मर्स। हम किसान बिरादरी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलाना चाहते थे, टमाटर का उत्पादन बढ़ाकर उनकी सहायता करना चाहते थे। ये हमारा उद्देश्य बन चुका था। हमने किसानों को अच्छी किस्म के टमाटर उगाने के लिए ट्रेनिंग दी और फिर उसे बाहर के देशों में निर्यात करने को कहा। कई किसान पहली बार इंडो अमेरिकन बीजों से खेती कर रहे थे। मेरे नेतृत्व में हमने देखा कि भारत में इस विषय में क्या और कैसे किया जा सकता है। अब काफी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं और किसानों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर रही हैं। वो अपने उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। मैंने तो बस एक उत्प्रेरक का काम किया है और उनमें जागरूकता बढ़ाई है। उससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। अब 1/4 acre में किसान टमाटर के इन संकरित बीजों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो कि अकल्पनीय है। 6 माह के भीतर ये इतना कमा लेते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मनमोहन अतावर के बेटे बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में खेती को बुरे सपने की जगह खुशहाल सपने में तब्दील कर दिया। But then the job was to really educate the farmers. लेकिन
हमारा काम था किसानों को इसके बारे में जानकारी देना, उन्हें समझाना और जो हो रहा है उसके बारे में दिखाना। अब 400 से 500 कंपनियां हैं जो उनकी रोजी रोटी का जरिया बनी हुई हैं। अब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। इन सब की शुरुआत 30 साल पहले हुई। हमने किसानों के घर घर जाकर उन्हें प्रोत्साहित करके ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए राजी किया और आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। मनमोहन अतावर के काम को न सिर्फ किसानों से बल्कि सरकार से भी सराहना मिली। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा भी मनमोहन अतावर को कई सम्मान मिले। हिंदुस्तान की खेती में मनमोहन की देन को पूरी दुनिया में माना गया। अपने अनुभवों को बटोरकर डॉक्टर मनमोहन अतावर ने कई किताबें लिखी हैं। अपने करियर के दौरान मनमोहन अतावर कई सरकारी और गैर सरकारी पदों पर विराजमान रहे। ISF यानी इंटरनेशनल सीड्स फेडरेशन ने उन्हें लाइफटाइम मेंबरशिप दी। नब्बे सावन देख चुके अतावर का जज्बा आज भी कम नहीं हुआ। हैरानी होती है ये सुनकर कि इसकी शुरुआत दशकों पहले एक छोटे से कस्बाई स्कूल से हुई। मनमोहन अतावर ने अपने पैतृक गांव करकल, जो दक्षिणी कर्नाटक में है, वहीं के मिशन स्कूल में शुरुआती पढ़ाई पूरी की। आगे कॉलेज भी स्थानीय स्तर पर ही किया, फिर अमेरिका और आखिर में अपनी कर्म भूमि हिंदुस्तान को बनाया। अपने काम के बाद ज्यादातर समय मनमोहन अपने परिवार के साथ ही गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन आज भी इन आंखों में सपने पलते हैं। सपने देश के लिए, सपने देश के किसानों के लिए, उनकी प्रगति और खुशहाली के लिए। सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन पूरा वो कर पाता है जो इसकी कीमत चुकाता है, और मनमोहन अतावर ने इन सपनों को कीमत चुकाकर पूरा किया है। इसीलिए कामयाबी की इस कहानी में इनकी महानायकी छिपी है। देता जा जो तेरे पास है, कुछ करके जा जो तेरे हाथ है, यही तो जिंदगी है, मर के भी जियो साथी, चंद दिनों की जिंदगी है।